अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं कि खबर ये आ रही है कि कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा गिरा है। इत्तला ये मौसूल हुई है कि कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा गिरा है। इब्तदाई तौर पर ये इत्तलात हम तक मौसूल हुई हैं और बताया यही जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा गिर गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। इरशाद बताइएगा, आप तक क्या इत्तलात पहुँची हैं? देखिए बिल्कुल, ये PIA की परवाज़ 8303 ये लाहौर से आने वाली परवाज थी। ये सिविल एविएशन के जरा ने इसको कंफर्म किया है कि मलीर के पास ये एयरपोर्ट पर जो है PIA का तैयारा जितना तबाह हुआ है और क्रैश हुआ है। इसमें कई मुसाफिर इसमें सवाल थे और इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये मलीर के इनके पास जो है टैंक चौक कहलाता है। जराए ने इसको कन्फर्म किया है और ये गिरकर तबाह हुआ है। इब्तदाई से जराए ने हमें बिल्कुल कन्फर्म किया है कि परवाज जो है इसमें कई मुसाफिर सवार थे। 8303 PK ये PIA का जो तैयारा है इस हवाले से गिरने की इत्तलात हैं और ये मलीर के पास जो है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये गिरकर तबाह हुआ है। अच्छा, तो इरशाद ये बताइएगा कि मालूम हो सका है कि कितने अफराद इस तैयारे में सवार थे? देखें, जो PIA का जो इस वक्त SOP बनाया गया है इसमें एक सीट छोड़कर ये मुसाफिर होते हैं। तकरीबन 100 के करीब जो है मुसाफिर, 100 के ज्यादा मुसाफिर बताए जा रहे हैं इब्तदाई इतलात के मुताबिक इसमें सवार थे। और ये तैयारा जो है तैयारा जो मलीर के इनके पास जो है क्रैश हुआ है और इसमें जो है आग लगी हुई है अभी भी और इसको जो तैयारे के जो है हाँ इसको घेरे में ले लिया गया है और मलीर के इनके पास जो है तैयारा इब्तदाई इतलात के मुताबिक 3K8303 क्रैश हुआ है। साथ रहिएगा हमारे, आपसे मजीद भी डिटेल्स लेंगे। एनी शाहिद एहसन नवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा इस वाकये के हवाले से, क्या बताएंगे। एहसन बताइएगा। जी, ये मलीर कैंट के बिल्कुल सामने का इलाका है, मलीर कैंट गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने का इलाका है, काजमाबाद इलाका का नाम है मॉडल कॉलोनी का। वहाँ आबादी में ये क्रैश हुआ है। ये इस वक्त पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया है और अब जो है वो रश वगैरह जो सारा लगा हुआ था वो खत्म हो गया और इमदादी कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं। या एम्बुलेंसेज और सिविल एविएशन की जो आग बुझाने के लिए हमला है वो इस वक्त मसरूफ है। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों की इसमें कैजुअलिटी हो सकती है। तो एहसन बताइएगा कि आप इस वाकये के हवाले से मजीद क्या जानते हैं और इस वक्त आप कहाँ मौजूद है, आपके सामने क्या मनाजिर है? जी, इस वक्त मैं बिल्कुल स्पॉट पर मौजूद हूँ। काले धुएं के बादल जो है वो इस वक्त छाए हुए हैं। ये आबादी में जो है वाकया पेश आया है और आबादी में इस वक्त भगदड़ मची हुई है इस पूरे इलाके में। यहाँ पर काफी सारे लोग भी जमा हुए थे जिनको अब सिक्योरिटी फोर्सेज से आने के बाद जो है वो आगे से हटा दिया है। जी ठीक है, एहसन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, स्पॉट पर मौजूद हैं, ऐनी शाहिद हैं इस वाकये के। और बताया ही जा रहा है PIA का तैयारा जो कि अब कंफर्म भी कर दिया गया है, लाहौर से आने वाली ये PIA की परवाज थी, तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 100 के करीब अब तक जो इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं, 100 के करीब मुसाफिर बताए जाते हैं कि इस तैयारे में सवार थे। उनकी खैरियत के हवाले से अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं हम आप तक वो इत्तलात पहुंचा रहे हैं। इरशाद बताइएगा, मजीद क्या डिटेल्स आप तक पहुंच सकी हैं? देखिए बिल्कुल, ये लाहौर से परवाज जो PK8303 2:45 पर इसको लैंड करना था, लेकिन अफसोस की बात है कि ये बड़ी दुख की खबर है कि PIA का ये तैयारा जो है PK8303 परवाज जो है मलीर कैंट के पास जो गिरकर क्रैश हुआ है। इसकी टाइमिंग जो हमारे शन से वो 2:45 पर इसकी बाकायदा लैंडिंग थी। बस प्लेन जो है अप्रोच कर रहा था और जराए ने ये भी बताया कि ये टेक्निकल खराबी आई है अचानक, तो इसने बहुत कोशिश की है पायलट ने आखिरी वक्त तक और मेडे की कॉल दी है उसने, जो कि इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं और ये उसमें कहा जाता है कि बस अब ये जहाज गिरने वाला है, उसने बहुत कोशिश की है। जो जराए के मुताबिक जो आखिरी कॉल जो ATC को जो डिसकनेक्शन हुई है वो मलीर के पास जो मलीर के अंडे जहाँ तक जो उसने फिर मेडे की कॉल दी है, उसके बाद जो है जहाज हुआ है और इसमें 100 के करीब जो मुसाफिर सवार थे लाहौर से आने वाली प्रवास की।